फागुन का महीना चल रहा है, मतलब अगले 15 से 20 दिनों में होली आने वाला है। बिहार में होली का बहुत क्रेज होता है और साथ ही साथ होली में शराब का बहुत क्रेज होता है। हालांकि बिहार में शराबबंदी है और हमें याद है कि यही होली का समय चल रहा था 2016 में, जब पूर्ण शराबबंदी बिहार में लागू हो गई थी। इसके बावजूद लगातार जो शराब की खेपें हैं वो पकड़ी जाती हैं, शराब बिहार में उपलब्ध हो जाता है, होम डिलीवरी हो जाता है। अब इसे लेकर जो प्रशासन है वो खासा तैयारी कर रही है कि होली में अगर कोई भी शराब पीते हुए पकड़ा गया तो उसके ऊपर बहुत सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बिहार के डीजीपी एस के सिंगल ने बजाबते इसके लिए एक मीटिंग की थी कल देर शाम, जिसमें मद्य निषेध विभाग के कई अधिकारी, पुलिस के कई आला अधिकारी भी उस मीटिंग में सम्मिलित हुए थे और ये फैसला लिया गया है कि इस बार के होली में शराब बिहार में नहीं मिलना चाहिए। लगातार शराब को लेकर कार्रवाई जो है वो चल रही है, लेकिन होली में विशेष तौर पर इस पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि होली को देखते हुए 5 मार्च से शराब बरामदगी के लिए विशेष अभियान भी अब चलाया जाएगा और गुरुवार को यानी कल पुलिस अफसरों के साथ बैठक में डीजीपी एस के सिंगल ने फील्ड अफसरों को इस दिशा में कार्रवाई का आदेश दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मद्य निषेध कानून के कांडों में फरार अभियुक्तों की सूची जल्दी तैयार करके मुझे सौंपिए और फरवरी में जितने अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है उससे 3 गुना अधिक अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लक्ष्य पर हमें काम भी करना है। डीजीपी ने शराब के धंधे के खिलाफ कार्रवाई के लिए मद्य निषेध प्रभार के अधीन बनाए गए कॉल सेंटर में आने वाले कॉल को सीधा एंटी लिकर टास्क फोर्स को भेजने का निर्देश भी दिया है। उन्होंने ऐसी उम्मीद जताई है कि जो होली का महीना है इसमें जितनी शराब के मामले में जितनी गिरफ्तारी पिछले महीने यानी फरवरी में हुई, जनवरी में हुई, उससे करीब 3 गुना अधिक गिरफ्तारी इस महीने हो सकती है, क्योंकि जब फागुन आया है, होली आया है, तो ऐसे में लोग जो है वो ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप वो शराब का सेवन करने लगते हैं। और खासकर होली का जो तारीख होगा 17, 18 और 19, ये 3 दिन जो है उस समय प्रशासन ज़्यादा अलर्ट रहेगा और जो टोल फ्री नंबर दिया गया है उसे सीधा कनेक्ट करेंगे डीजीपी, ताकि बिहार में शराबबंदी सफल हो और इसका अधिक जो दबाव है वो सरकार पर नहीं बने। आपको बता दें कि डीजीपी ने कहा है कि शराब बिक्री वाले हॉटस्पॉट को चिन्हित करने के साथ साथ इसके लिए जिम्मेदार तत्वों की पहचान के करने का भी आदेश दिया गया। साथ ही शराब माफियाओं के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। तो तमाम जो इस तरह के प्रकरण चल रहे हैं वो इसीलिए चल रहे हैं कि बिहार में जो सरकार है वो लगातार एक्टिव है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी को सफल बनाया जा सके, और खासकर तब जब महीना फागुन का चल रहा हो, फागुन का बयार बह रहा हो और लोग होली की तैयारी में जुटे हुए हों। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहे इंडिया टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।